खबरों के बाद अब खबर देख लेते हैं विस्तार से। बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिनका जन्मदिन है। 21 फरवरी 1964 को उनका जन्म हुआ था। 60 साल के साय सरल, सहज और सौम्य स्वभाव के हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने साय, तो जनता के लिए कई बड़े फैसले उन्होंने लिए, जिसकी बदौलत वो छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों पर राज करने लगे। और आज उनके एक ऐसे ही फैसले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस फैसले ने कई लोगों को दी नई जिंदगी। देखिए साय कैसे बने सहारा। कोई आग से जल गया था। मैं आग से जल गई थी खाना बनाते बनाते। किसी की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। हम लोग माँ का अचानक तबीयत खराब हो गया, भयानक ब्लड खून कम हो जा रहा था। सब लाचार थे, कोई सहारा न था। और उन बेसहारा लोगों का सहारा बने वो, जिसे कहते हैं सीएम साय। वो साय जो किसी को खाली हाथ नहीं बेचते। जिस भरोसे के साथ लोग जाते हैं, वो भरोसा टूटता नहीं था। खुद सुनिए सीएम साय कैसे बने सभी के भाई। मैं विष्णुदेव साय बोला था, हाँ बगियाले मुख्यमंत्री। और इलाज उलाज बढ़िया चलता है ना? सुना आपने, ये हैं सीएम साय, जो अपनी जनता का इतना ख्याल रखते हैं कि फोन पर हालचाल पूछते रहते हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की जनता सीएम साय को अपना सहारा मानती है। चल फिर नहीं पा रही थी, फिर बगिया गई साय जी के घर। फिर सहायता मांगी मैं, मेरे को एम्बुलेंस से रायपुर डीकेएस हॉस्पिटल भेजे। इन मरीजों की जुबानी बता रही है कि सीएम साय हैं सभी के भाई, अपनी जनता का दुख सुनते हैं, ख्याल रखते हैं। दरअसल सीएम साय के गांव बगिया में स्वास्थ्य सुविधा की भारी कमी थी। साय सीएम बने और फिर सभी के दुखों को दूर किया। बगिया में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लगाया और लोगों की पीड़ा को सुना, उनकी समस्याओं को कम करने की ठानी। आज लोगों को सीएम पर भरोसा हो गया है कि दूर दूर के जिले से बगिया के मुख्यमंत्री कैंप में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए बैठी हैं सीएम साय की अर्धांगिनी कौशल्या साय और निजी सहायक। हाँ, यहाँ पे आपने जैसे कहा, जब से साय जी सीएम बने हैं तब से लोगों का जनदर्शन लग रहा है। और हम लोग ज्यादातर, जैसे पहले हम लोग जितने भी बीमार जो आते थे उनका इलाज तो करते रहे हैं, अब वो सिलसिला पुनः चालू हो गया और कार्यालय यहाँ होने की वजह से सबको सुविधा भी मिल रही है। मैं विष्णुदेव साहब बोला था ना। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से अब तक 85 से अधिक लोगों की गंभीर बीमारी का इलाज कराया जा चुका है। जशपुर जिले के कुनकुरी की 72 वर्षीय सिम्या यादव किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, खून की कमी थी। आज सीएम साय की सहायता से वो स्वस्थ है। ऐसे कोई एक मरीज नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में मरीज हैं जो सीएम के कैंप पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं और उनकी मदद की जा रही है। पिछड़ेपन का दंश झेल रहे जशपुर जिले से विष्णुदेव साय के सीएम बनने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में काफी मदद मिली है और बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जशपुर जिले समेत सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। दीपक सिंह, न्यूज 18, जशपुर। तो सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जशपुर के बगिया गांव में सीएम ने बालक अनुसूचित जनजाति आश्रम में बच्चों के बीच केक काटा। सीएम साय ने बच्चों को अपने हाथ से केक खिलाया। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने अपने परिवार के लोगों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो बच्चों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन्मदिन मनाया है केक काटकर। आप देखिए, बहुत ही खास पल ये जब वो बच्चों के बीच मौजूद रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और बच्चों के साथ ही मुख्यमंत्री ने भोजन भी किया। परिजनों के साथ भी उन्होंने मिलकर ये केक काटा। Happy birthday.
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुख्यमंत्री। सर, आप अपना जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर पहुंचे हैं, हर साल यहीं पर मनाते हैं, किस तरीके से रहेगा आपका जन्मदिन? पिछले कुछ वर्षों से एक परंपरा बना ली है कि जन्मदिन के अवसर पर घर में पूरे परिवार वालों को बुलाते हैं और अपने गाँव वालों को बुलाते हैं, अपने परिवार वालों को बुलाते हैं और श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। और आज 60 साल पूरा हुआ है तो इस अवसर पर हम घर आए हैं, माता जी का आशीर्वाद भी लेना है और एक बड़े अच्छे चीज़ की शुरुआत यहाँ जिला में कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसलिए एक न्योता भोज का शुभारंभ किए हैं। न्योता भोज का मतलब कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन हो या अपने किसी प्रिय का जन्मदिन हो या विशेष अवसर हो तो उस अवसर पर पास में जो भी हॉस्टल है, स्कूल है, उनको अपने तरफ से भोजन कराएगा, खिलाएगा। तो एक अच्छी परंपरा है, मतलब सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है बच्चों को पौष्टिक आहार देना, मतलब समाज इस तरह से आगे आएगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। तो उसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ से किए हैं, जिले से। अब इसके बाद सभी लोग इसका अनुकरण करेंगे, हमारे कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं और भी हमारे जो गणमान्य लोग हैं सब विशेष अवसर में उनके पास में जो भी स्कूल छात्रावास होगा वहाँ बच्चों को इस तरह से न्योता भोज कराएंगे। सर, पूरे प्रदेश से आपको बधाइयाँ मिल रही हैं तो आज अपने जन्मदिन पर कोई बड़ी घोषणा करेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार तो लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े काम अभी 2 महीने के सरकार में ही किए हैं, प्रधानमंत्री आवास, 2 साल का बकाया बोनस, अभी महतारी बंधन योजना अगले महीना से शुरू कर रहे हैं, 70 लाख से ज़्यादा आवेदन फार्म जमा हो चुका है और जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनके खाते में मार्च महीने से महतारी बंधन योजना का पैसा भेजना शुरू करेंगे। आज कोई खास नहीं है लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि आज सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, सबका, सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद हमको मिला है। तो ये थे सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने आदिवासी बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और अब जो है वो अपने बगिया स्थित गृहग्राम के आवास में जाएंगे और वहाँ पर जो लोगों से मिलेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं लंबी लंबी कतारें सूबे से उनके घरों में लगी हुई है और दूर दूर से लोग सूबे के मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। दीपक सिंह, News18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।